नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। कोरोना का कहर जो है वो बिहार में बढ़ता ही जा रहा है। एक और व्यक्ति की मौत हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है, 70 वर्षीय एक बुजुर्ग की मौत हुई है, जिसकी रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई है। कोरोना संक्रमण से संक्रमित था वो मरीज, 70 वर्षीय उसकी उम्र बताई जा रही है। सासाराम से खबर निकल के आ रही है, जहाँ एक बुजुर्ग की मौत हो गई है। नारायण मेडिकल कॉलेज जमुहार से ये खबर निकल के आई, जहाँ पर उसे भर्ती कराया गया था। ये पहले से जानकारी मिल रही थी कि वो व्यक्ति पहले से ही अस्थमा रोग से पीड़ित था, सांस लेने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जिससे उससे भी पहले उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से उसे नारायण मेडिकल कॉलेज जो कि जमुहार में है वहां उसे रेफर किया गया था, जहां पर आज उस व्यक्ति ने दम तोड़ दिया है और रिपोर्ट उसकी पॉजिटिव निकल के आई है। कोरोना संक्रमण से संक्रमित एक मरीज की और मौत हो गई है। बिहार में जो आंकड़ा है अब 5 तक पहुँच गया है। आप तस्वीरें देख रहे हो, किस तरीके से ग्राफिक से तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर कुल 547 केसेस हैं, 203 लोग अब तक ठीक भी हो चुके हैं, वहीं 5 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। मरने वालों में से एक व्यक्ति जो कि अभी रोहतास सासाराम में, उसका अंक जो है आपको दिख रहा होगा, वो एक अंक जुट गया है। पहले तक ये संख्या 4 थी, जिसमें से एक व्यक्ति मुंगेर का, जिसकी शुरुआती दौर में मौत हुई थी जब लॉकडाउन लगाया गया था, उस वक्त ही खबर निकल के आई थी कि एक व्यक्ति जो कि मुंगेर का रहने वाला है उसकी मौत हो गई थी। पटना एम्स ने उसकी पुष्टि की थी कि कोरोना पॉजिटिव है वो मरीज। उसके बाद फिर सीतामढ़ी से खबर निकल के आई, ईस्ट चंपारण से यानी कि पूर्वी चंपारण से खबर निकल के आई, वैशाली से खबर निकल के आई, और अब इस वक्त की बड़ी खबर पटना में जो कोरोना का कहर है वो बढ़ रहा है। पटना में भी हम बात करें तो अब तक कुल 46 मरीज हो चुके हैं, 17 मरीज जिसमें से ठीक भी हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार हर पल अपडेट कर रहे हैं, जब जब संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती है। और ऐसे में बड़ी खबर सासाराम से निकल के आ रही है। रोहतास के सासाराम में एक व्यक्ति की मौत हुई है, एक बुजुर्ग की मौत हुई है जो कि कोरोना पॉजिटिव था। अब थोड़ा सचेत होना पड़ेगा। देखिए, देश की अगर हम बात कर रहे हैं तो देश में संक्रमित मरीजों का जो आंकड़ा है वो 53,000 से अधिक हो चुका है, मरने वालों की संख्या 1700 से अधिक हो चुकी है। तो ऐसे में अब बिहार के लोगों को सचेत होना पड़ेगा, खास करके जो बुजुर्ग हैं। हम ये मैसेज उन तक भी देना चाहते हैं, यदि आपके घर में बुजुर्ग हैं तो उनके सेहत का ख्याल रखें, ज़्यादा वो घर से बाहर ना निकले, क्योंकि ये संक्रमण जो है वो तेज़ी से लोगों में फैल रहा है। और हम अन्य राज्यों की अगर तुलना करें तो उससे काफ़ी कम संख्या है बिहार में संक्रमित मरीजों की। बिहार में अब तक कुल आंकड़ा 547 तक ही पहुंचा है, वहीं 200 से अधिक लोग इसमें ठीक भी हो चुके हैं और अब मरने वालों की संख्या हो चुकी है 5। तो ऐसे में घर के बुजुर्गों का, घर के बच्चों का ज़्यादा ख्याल रखें, उन्हें घर से निकलने ना दें और लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। भले ही थोड़ी अब छूट दी जा रही हो, कल से दुकानें जो हैं बिहार में कुछ कुछ खुलेंगी, वो भी शर्तों के साथ, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके, लेकिन हमें अब और सचेत रहना होगा। आप लाइव स्ट्रीम देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।